उड़ीसा के ऊपर ही उनका डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर रहा है। सबसे अधिक वर्षा जो हुई कटक के, कटक में 70 मिलीमीटर वर्षा हुई है जो कि एक दिन एवरेज रिकॉर्ड बनती है। कालिका मंडी का मैक्सिमम टेम्परेचर 32.8 डिग्री सेल्सियस दिया है, भुवनेश्वर का 31.6 और कटक का 30 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम। एक जो कोस्टल उड़ीसा के ऊपर अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन थी, अभी वो साउथ उड़ीसा और अर्जाई नॉर्थ आंध्र प्रदेश के कोस्ट के ऊपर लाई कर रही है और समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर हाइट से बनी हुई ऊंचाई तक जा रही है, एक्सटेंड हुई रही है और साउथवर्ड डायरेक्शन साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ टिल्ट कर रही है। देवभर में आज पूरे उड़ीसा में कुछ स्थान पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। डेट 29 तारीख को आइसोलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है। 30 तारीख को नुआपाड़ा, कलाड़ी, नवरंगपुर, कोरबंगलकाल में इंडस्ट्री में एक दो स्थान पर हल्की मध्यम वर्षा हो सकती है। 31 तारीख को सुंदरगढ़, झारसूगढ़, बालगढ़, नुआपाड़ा में एक दो स्थान पर हल्की मध्यम वर्षा और 1 तारीख को भी इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड इनफॉर डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है। 2 तारीख को मयूरभंज, केन्द्र, सुंदरगढ़, झारसूगढ़, बालगढ़, नुआपाड़ा में आइसोलेटेड रेनफॉल होने की संभावना है। 3 तारीख को सुंदरगढ़, केन्द्र, मयूरभंज में आइसोलेटेड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है। 1 तारीख रेनफॉल होने की संभावना है। डे वन यानी आज गंजम, बेलपति, रायगढ़, कलानी, नवरंगपुर, कोरापुरी इन डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म की संभावना है, जिसकी वजह से यह अलर्ट दिया गया है।